नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ EPS 95 पेंशन को लेकर। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, पेंशन को लेकर यहाँ पर जो आंदोलन है चल रहा है कि महासंपर्क आंदोलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी देर मैंने आपको बताई थी दोस्तों, चैनल पर वीडियो डाली भी थी कि 7 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक ये आपका जो महाआंदोलन है चलने वाला है, जिसमें कि महासंपर्क आंदोलन इसका नाम दिया गया है। दोस्तों, इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, सभी मंत्रियों से यहाँ पर संपर्क किया जाएगा। जो 7500 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर जो बात की जाएगी। और इसको लेकर अगर सरकार जल्दी आपके लिए सोचती है दोस्तों, तो आपके लिए नई साल पर 7500 रुपये प्लस DA का आपके लिए यहाँ पर तोहफा है, वो सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। इसी के साथ जो मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, वो भी सरकार के द्वारा आपको प्रदान की जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नई दिल्ली के नीचे पेंशन भोगियों के एक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को संसद के समक्ष धरना प्रदर्शन की तैयारी की। संगठन न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रतिमाह करने समेत अन्य मांगों पर दौड़ बनाने के लिए प्रदर्शन करेगा। EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के कर्मचारी पेंशन भोगिया 1995 के तहत देश भर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन देने की मांग की गई थी। तो समिति ने बयान जारी कर यह जानकारी दी कि वर्तमान में EPS 95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन ही प्रदान की जा रही है। तो दोस्तों, यानी 2021 को आपके लिए नई साल पर आपके लिए सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा आपके लिए जो पेंशन है दोस्तों, वो बढ़ाई जा सकती है और आपके लिए जल्द ही इस पर यह खुशखबरी आपके लिए आ सकती है। दोस्तों, EPS 95 संबंध कोई भी अपडेट आती है आपको चैनल पर, मैं सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक बात क्लियर बता दूँ, जैसे ही आपकी EPS 95 संबंधित कोई भी नोटिस या कोई भी न्यूज आती है आपको, मैं चैनल पर सबसे पहले बता देता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई प्रेस नोट जारी किया जाता है या आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जैसे EPS 95 के तहत आपकी जो पेंशन बढ़ोतरी की जाती है, तो दोस्तों एक बात जो सोशल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, उसके अनुसार आपकी 5000 तो यहाँ पर मिनिमम है जो पेंशन है वो की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल यहाँ पर बताते हैं कि 8500, 9000, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर सरकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करती है, तो 5000 तो आपके पक्के ही यहाँ पर हो जाएगी पेंशन। और इसी के साथ आपकी जो अधिकतम पेंशन है, वो 7500 रुपये करने की यहाँ पर जो है मांग रखी गई है सरकार के सामने। अब सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है, जो सर्दियों वाला सत्र आने वाला है दोस्तों, उसमें इस पर विचार किया जाएगा। और नई साल तक आपके लिए EPS 95 के तहत आपके लिए खुशखबरी दोस्तों, वो सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। तो जैसे कोई भी न्यूज आएगी, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। EPS 95 से संबंधित फल फल की अपडेट आपको उस चैनल पर मैं करता रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।